भी ये भी मैं आपकी अम्मी हूं ना। अब मेरी बात नहीं मानोगे? अरमान अरमान मुझे दे दीजिए प्लीज। लाइए अरमान अरमान मुझे दे दीजिए। बेबी आप रो मत, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके अम्मी अबू हैं। आप अपने अम्मी अबू की बात नहीं मानोगे? अरमान को हमें दे दो प्लीज बेबी, प्लीज प्लीज बेबी। बेबी बेबी अरमान दे दो। बेबी बेबी बाजीगर बाजीगर खान बाबा नहीं। हमें बेबी पे जादू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेबी हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये देखिए मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि ये बेबी हमें दे दीजिए प्लीज। लाइए। ऐसा मत कीजिए। देखिए हम नहीं जानते कि आप हमसे खफा क्यों है। अगर आप इसलिए खफा है क्योंकि हम आपको बचा नहीं पाए तो ये सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। हम भी आपको खोना नहीं चाहते थे और आपको खोना हमारी बदनसीबी थी। पर अगर फिर भी तुम हमसे गुस्सा हो तो हमें सजा दे दो। कुछ भी कर लो हम अब तक नहीं करेंगे। पर प्लीज अरमान को हमें वापस दे दो प्लीज 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 प्लीज। बेबी आप और अरमान दोनों हमारे बच्चे, हमारे अपने। प्लीज हम सब एक परिवार हैं, एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। इस बॉटल के अंदर मेरा जादू काम नहीं कर रहा। कीड़े पड़े उस लांती काले जिन को बाहर निकलने दो, फिर बताती हूँ उसे कि बोतल में कैद होकर कैसा लगता है। कैसे निकलेंगे बाहर? सलाला अभी यहां कुछ नहीं कर पा रही। हम ऐसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो जब कोई बाहर से तोड़ेगा तभी बाहर निकल पाएंगे। इसे तोड़ेगा कौन? दरवाजा अंदर से बंद है। अरमान! बेबी
खोलो। बेबी रुक, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। अब हम क्या करें? शर्मान के रोने की आवाज आ रही है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। प्लीज कुछ कीजिए। आवन, तुम अपने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? प्लीज। नहीं तभी भी हमने डिसाइड किया कि हम बेबी रू के खिलाफ अपना जादू इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेबी रू, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज कुछ कीजिए। आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। तभी से हरमान, अरमान, अरमान, बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अरमान को कुछ नहीं होने देंगे और हम अपने दोनों बेबीज को वापस लेके आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए। कलेज ने धोखा किया, हमारे बच्चे को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करके अरमान को ले गए। कलेज हमेशा से अरमान के पीछे ही था। उसका ये 3 चिरागों वाला चैलेंज देने का मकसद भी सिर्फ अरमान को हमसे दूर करना था, अरमान को लेके जाना था। तभी तो वो चुनमुन राय और साया जिन भी अरमान के पीछे पड़े थे। काला चुन हमारी जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं छोड़ देता हमारे बच्चे को? एक वजह हो सकती है तुम लोग आओ मेरे साथ। आप ये सब क्या कर रही हैं? रोशन, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना, उसका खत्म होना तय है। और कुदरत के इस कायदे से काला जिन बाहर नहीं है। और जब जब बुराई की ताकत बढ़ने लगती है, उसे खत्म करने के लिए अच्छाई की ताकत पैदा होती है।
में ये लिखा है। क्या इसका मतलब ये है कि काले जिन का खात्मा उस दिन होगा जिस दिन वो आयाना और जिन की औलाद से जंग करेगा। इसका मतलब काले जिन को पता था कि उसका खात्मा अरमान के हाथों लिखा है और इसीलिए वो अरमान के पीछे पड़ा था। उसे पता था हम उसे अपना बच्चा कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने तीन चिरागों वाली चाल चली और हमारे बच्चे का इस्तेमाल किया। इसीलिए इससे पहले कि अरमान काले जिन को खत्म करे, वो अरमान को खत्म कर देना चाहता है ताकि वो किस्मत के लिखे को बदल सके। और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप लोग यहीं पर रुक जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।